आइए शुरू करते हैं चैप्टर 24 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले हम लोग मानक विचलन निकालना है, तो मानक विचलन निकालने के लिए हम लोग दो फार्मूलों का प्रयोग करते हैं। एक फार्मूला है मेरे पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये मानक विचलन। और दूसरा है, दूसरा प्रकार है सिग्मा एफ डेल्टा स्क्वायर बटे सिग्मा एफ यहां पर हम डेल्टा करते हैं, देखिए हम यहां पर डेल्टा करते हैं और यहां पर डी करते हैं। दो प्रकार से हम लोग, ये डेल्टा सही नहीं लग रहा, दो प्रकार से हम लोग मानक विचलन के लिए फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो इसका जब प्रयोग करते हैं तो हम लोग कल्पित माध्य मान करके करते हैं, कल्पित माध्य मान करके करते हैं। कल्पित माध्य देखिए कैसे होता है, कल्पित माध्य जब विचलन निकालते हैं तो कल्पित माध्य मान करके तो x माइनस ए करते हैं, ये जहां पर हम लोग मानते हैं कि ए कल्पित माध्य है। और जब हमारा विचलन समांतर माध्य लेकर के माध्य के थ्रू जब होता है तो उसमें d बराबर हम लिखते हैं x माइनस एम। तो देखिए हम एक याद करने का प्रैक्टिस बता रहे हैं, एक याद करने का तरीका, यहां पर देखिए a है ना, यहां पर a है तो यहां पर हम इसको ऐड कर देंगे, a फॉर ऐड, इसको इस वाले पोर्शन को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। कब, जब हम लोग कल्पित माध्य मान करके विचलन निकालेंगे तब, और जब हम लोग समांतर माध्य के द्वारा विचलन निकालेंगे, जब समांतर माध्य के द्वारा विचलन निकालेंगे तो m फॉर क्या करेंगे, माइनस, यानी कि इसमें से ये वाला पोर्शन हम घटा देंगे, ठीक है। जब हम लोग समांतर माध्य से विचलन निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन हम लोग माइनस कर देंगे, ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा। याद करने का तरीका है a एड m माइनस, ठीक है। तो हम लोग यहां पे जब सवाल लगाएंगे तो उसके हिसाब से हम लोग कौन सा फार्मूला लेना है हम लोग देख लेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 में हमने पद और संख्या और बारंबारता, यानी कि पद और बारंबारता दिया हुआ है। तो मैं जो फार्मूले का प्रयोग करूंगा मानक विचलन निकालने के लिए, उसमें कल्पित माध्य मान करके करने जा रहा हूं, कल्पित माध्य मान करके करूंगा। कल्पित माध्य का मतलब कि a, यानी कि हमारे फार्मूले में ऐड रहेगा कौन सा पोर्शन, सेकेंड वाला पोर्शन। तो आइए करते हैं, डेल्टा बराबर x माइनस a, ए हम इसमें से किसी को मान लेंगे, मान लिया कि ये ए है, ठीक है। अब x माइनस ए यानी कि 1 माइनस 5 बराबर 4, 2 माइनस 5 बराबर सॉरी माइनस ना 3 माइनस 5 और 4 माइनस 5 और 5 माइनस 5 बराबर 0। अब यहां पर यहां से अब प्लस आना शुरू करेगा, बराबर प्लस 1, 7 माइनस 5 प्लस 2, 8 माइनस 5 प्लस 3 और 9 माइनस 5 प्लस 4, ये हो गया। अब डेल्टा जब निकल गया ना, तो देखिए हमारा हमारा फार्मूला ए है ऐड वाला, यानी कि हमारा जो मानक विचलन का फार्मूला लगेगा कौन सा लगेगा, सिग्मा एफ डेल्टा स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डेल्टा बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर,
यानी कि हमको एफ डेल्टा चाहिए और एफ डेल्टा स्क्वायर चाहिए। सिग्मा एफ तो हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, इसको निकल जाएगा 7 × 10 = 11 = 26 = 38 = 38 = 40 = 45 = 46 = 48 = 80। सिग्मा एफ तो हमारा 80 हो गया, एफ डेल्टा स्क्वायर चाहिए, एफ डेल्टा चाहिए तो डेल्टा तो निकल गया, एफ है ही तो एफ डेल्टा यहां पे हो गया, और एफ डेल्टा स्क्वायर के लिए हमको डेल्टा स्क्वायर चाहिए ना, तो डेल्टा स्क्वायर निकल जाएगा, तो फिर यहां पर एफ डेल्टा स्क्वायर। और योगफल किसका किसका चाहिए? एफ डेल्टा का चाहिए, है ना, एफ डेल्टा का चाहिए, एफ डेल्टा स्क्वायर का, यानी कि हमको इसका चाहिए योगफल एफ डेल्टा और एफ डेल्टा स्क्वायर। चलिए तो एफ डेल्टा निकालें, 3 × 12 − 12 = 7 × 21 − 21 = 11 − 22 = 22 − 14 = 14 − 14 यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, 12 × 12 और 8 × 16 4 × 12 और 4 × 8। अब इसमें दो तरह के मान आए हैं, 0 से ऊपर के मान ऋणात्मक हैं और यहां से यहां तक है ना, ये मान धनात्मक है और ये मान ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक को हम एक साथ जोड़ दें और धनात्मक को एक साथ जोड़ दें, तो 4 × 2 = 6 = 3 × 9 और 2 × 2 = 6 = 69 − 8 × 10 = 18 और 4 घटा देंगे तो −21, ये हो गया −21 एफ डेल्टा। अब डेल्टा स्क्वायर करना है, डेल्टा स्क्वायर यानी इसका वर्ग 16, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 0, 1 × 4 = 9 = 16 ये हो गया। एफ डेल्टा स्क्वायर कर दें, 3 × 16 = 16 × 3 = 48, ये गुणा संभाल करके करना होगा, 7 × 9 = 7 × 63, 11 × 4 = 11 = 44, 14 × 14 = 14, ये तो 0 हो जाए, 12 × 12 = 12, फिर 8 × 32 = 32, 4 × 9 = 36 और 16 × 32, टोटल पॉजिटिव है, इसका योगफल कर ले, 8 × 3 = 11 = 14 × 19 = 21 × 23 = 27 × 21 = 28 × 27 = 28 × 31 = 32 × 33 = 37 × 38 × 36 = 38 × 18 = 21 × 22 = 21 × 21 = 22 = 21 = 22 × 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 = 22 = 21 =
मटेरियल तैयार, मटेरियल तैयार, अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है। फार्मूला मेरा ये रहेगा, सारा चीज एफ डेल्टा स्क्वायर निकल ही गया है, एफ डेल्टा निकल ही गया है और सिग्मा एफ निकल गया है, सारा चीज हो गया है, बस निकल कैलकुलेशन करना है। तो इसमें सिर्फ समांतर माध्य तथा मानक विचलन, अच्छा समांतर माध्य भी निकालना है, तो मैं पहले समांतर माध्य निकाल दूं। समांतर माध्य देखिए, कल्पित माध्य करके किए हैं ना, तो यहां पर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डेल्टा बटे सिग्मा एफ, ए का मान 5 प्लस सिग्मा एफ डेल्टा माइनस 21 बटे में 80, 5 माइनस, इसमें भाग दे दें 21 में 80 का, तो 0.2, ये भाग देंगे तो 0.26 या बल्कि 0.25 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4.75, 4.75 हो जाएगा समांतर माध्य। अब उसके बाद हम निकालेंगे मानक विचलन, मानक विचलन बराबर सिग्मा एफ डेल्टा स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस
सिग्मा एफ डेल्टा बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एफ डेल्टा स्क्वायर का मान कितना है 281 बटे में 80 माइनस सिग्मा एफ डेल्टा बटे सिग्मा एफ यानी माइनस 21 बटे 80 का होल स्क्वायर। दो सौ इक्यासी में 80 का भाग देना है, 281 में 80 का भाग देना है तो भाग देना पड़ेगा। ये जब इसका वर्ग करेंगे तो 0.068 और जब इसको घटाएंगे तो हमको मिलेगा 3.44 और 3.44 का वर्गमूल हो जाएगा 1.85 या इसको हम 1.9 कह सकते हैं। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, ये दो आंसर हो जाएंगे। हाँ आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये प्राप्तांक दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, तो 20 से लेकर के 25 तक और उनकी संख्या 1, 2, 5, 6, 4, 3 है। अच्छा इसके पहले वाला सवाल हम लोग किए उसमें कल्पित माध्य मान करके किए थे, तो उसमें हम लोग फार्मूला लिए थे ऐड वाला, यानी कि दोनों फार्मूला सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ डेल्टा स्क्वायर बटे सिग्मा एफ और माइनस सिग्मा एफ डेल्टा बटे सिग्मा एफ को होल स्क्वायर दोनों लिए थे। लेकिन अब इसमें हम लोग दूसरे वाले से करें जिसमें सिर्फ अंडर रूट में सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ का प्रयोग होगा। हाँ तो हम लोग इसमें समांतर माध्य के थ्रू करेंगे। जब समांतर माध्य के थ्रू करेंगे, समांतर माध्य का मतलब यम, यम का मतलब माइनस, यानी कि हमारे मानक विचलन के फार्मूले में एक सेकेंड वाला टर्म जो है माइनस रहेगा, वो नहीं रहेगा, वो गायब रहेगा। तो समांतर माध्य निकालने के लिए एफ गुड़े एक्स, फिर यहां पर डी निकालेंगे, डी बराबर एक्स माइनस एम करेंगे। तो एफ एक्स 20 × 1 = 20, 21 × 2 = 42, 22 × 5 = 110, 3 × 6 = 36, 6 × 12 = 13, 138, 24 × 6 = 96 और 25 × 3 = 75। तो इसको भी निकालना है, सिग्मा एफ एक्स समांतर माध्य के लिए जरूरत पड़ेगी ना, और सिग्मा एफ 1, 2, 3, 5, 8, 6, 14, 4, 18, 3, 21, सिग्मा एफ 21 और ये कितना है 10, 6, 16, 5, 21 और 4, 4, 8, 9, 3, 12, 9, 21, 7, 28 और 2, 2, 4, 481। अब आगे का काम हमारा तभी होगा जब हम समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य निकाल लेते हैं, समांतर माध्य m बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 481 बटे में 21, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.9, भाग देंगे तो 22.9, ये तो समांतर माध्य हो गया। अब हमको क्या करना होगा, d का मान निकालना है, तो d बराबर x माइनस m यानी कि पद में से समांतर माध्य घटाना है, तो पद यहां है तो 20 में से 22.9 घटाएंगे तो -2.9, 21 में से -1.9, 22 में से -0.9, 23 में से, अब ये देखिए 23 में से इसको घटाएंगे तो पॉजिटिव मान आने लगेगा, तो 0.1 कर देंगे इसको और फिर उसके बाद 24 में से करेंगे तो 1.1 और 25 में से करेंगे तो
2.1, इतना हो जाएगा फार्मूला हमारा। फार्मूला देखिए हमारा इस बार कैसा है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ, सिर्फ इसी का काम है बस। सेकेंड वाला माइनस हो चुका है, यम है ना, हम बोले थे कि यम रहेगा तो माइनस ए रहेगा, यानी कल्पित माध वाला रहेगा तो एड मतलब वो भी सेकेंड वाला टर्म भी रहेगा। तो चलिए एफ डी स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एफ डी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर का मतलब ये 29 का कितना हो जाएगा, 841, 8.41, 3.61 और 0.81 और 1 का 0.01, 1.21 एंड 4.41। ठीक है इतना। अब हमको f का इसमें गुणा करना है, बारंबारता यहां है तो ये तो ऐसे हो जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो, दो से करेंगे तो दो एक कम दो, दो छह के बारह, दो तीन छह एक सात, पांच से करेंगे इसमें पांच एक कम पांच, पांच अठे चालीस 4.05, छह से करेंगे तो ये हो गया, चार से करेंगे तो चार आठ चार, तीन से इसमें करेंगे तो तीन तीन चौको बारह, तीन चौक बारह एक तेरह, तेरह तो सुनो दो तीन हो गया इतना। अब हमको क्या करना है, इसको टोटल करना है। टोटल किसका किसका करना है, हमको सिर्फ एफ डी स्क्वायर का, यहां पर लिख देंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर तीन पाँच आठ छः चौदह चार अठारह तीन इक्कीस एक दो छः दो आठ आठ सोलह दो अठारह सिला एक आठ नौ सोलह छब्बीस चौबीस चौबीस तेरह सैंतीस, सैंतीस दशमलव आठ एक, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब मान रख देते हैं तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर 37.81 बटे में सिग्मा एफ 21। अच्छा इस वाले में कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, थोड़ा सा समांतर माध्य निकाल करके घटाना, हालांकि ये थोड़ा सा आसान है घटाने पर, बड़ा छोटा छोटा अंक आया इसलिए वर्क करके गुणा करने में आसान रहा फिर भी। तो अब इसमें 21 का हम भाग देंगे, 37.81 में 21 का भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.8। आ जाएगा और 1.8 का वर्गमूल जो है हमारा 1.34, बस एक तो ये हो गया। और भी कुछ पूछा है क्या इसमें, अच्छा मानक विचलन के अलावा एक प्रसरण गुणांक भी निकालना था, तो प्रसरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणे 100। तो मानक विचलन कितना 1.34 बटे समांतर माध्य 22.9 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 5.8, ये टोटल सब आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए एक चीज और नोट करिएगा, से हम लोग जब बारंबारता नहीं है, अरे सॉरी वर्ग अंतराल नहीं है, अगर वर्ग अंतराल नहीं है तो हमको छह कॉलम बनाना पड़ा, एक कॉलम मैं एक्स्ट्रा रखा हूं अभी जब वर्ग अंतराल वाला आएगा तो उसके लिए, यानी कि हमको बहुत अधिक से अधिक सात कॉलम बनाने पड़ते हैं इसमें मानक विचलन निकालने के लिए, अधिक से अधिक सात कॉलम। सात कॉलम कब,
जब वर्ग अंतराल दिया हुआ हो तो, नहीं तो छह कलम से हमारा कम हो जाएगा। छह कलम चाहे हम कल्पित माध्य से मान विचलन निकालें या समांतर माध्य से निकालें, दोनों में छह कलम चाहिए, लेकिन वर्ग अंतराल रहेगा तो बढ़ जाएगा एक कलम। सातवां, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया है तो 1 2 3 4 5 6 7, सात कलम, सात कलम, और हम निकालने जा रहे हैं कल्पित माध्य मान करके। कल्पित माध्य मतलब कि ऐड करेंगे फार्मूले में, हम ऐड करेंगे कौन सा, सिग्मा एफ डेल्टा स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डेल्टा बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट में, उसका प्रयोग करने जा रहे हैं। अगर आप लोग करना चाहें तो समांतर माध्य निकाल के कर लीजिएगा, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ अंडर रूट में, लेकिन मैं इस उससे करने जा रहा हूँ कल्पित माध्य। पहले पहले हमको एक्स चाहिए ना, एक्स का मतलब मध्यमान पद, तो एक्स कहां से मिलेगा, यहां से 0 और 5 का, 5 को जोड़ करके आधा कर देंगे तो 0.2.5। फिर देखिए 5 5 का अंतराल है ना, तो 5 इसमें जोड़ते जाएंगे तो 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 और 5 37.5, ये हमारा हो जाएगा मध्यमान x। अब हम इसी में से एक को कल्पित माध्य मानने जा रहे हैं, इसको हम कल्पित माध्य मानने जा रहे हैं a, और यहां पर निकालने जा रहे हैं डेल्टा। डेल्टा बराबर x माइनस a, देखिए यहाँ पे a है ना, इसलिए हमारे फार्मूले में ऐड वाला करेंगे, यानी कि दोनों पार्ट करेंगे फार्मूले में, मानक विचलन के फार्मूले में। चलिए ये पद है, ये कल्पित माध्य है, तो 2.5 में 22.5 घटाएंगे तो -20, 5 5 घटता जाएगा -15, -10, -5, 0, 5 10 15, डेल्टा निकल गया हमको। देखिए एफ डेल्टा भी चाहिए और एफ डेल्टा स्क्वायर भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो हम क्या करें, पहले यहां पे एफ डेल्टा निकाल लें, एफ डेल्टा निकाल लें, फिर यहां पे डेल्टा स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर हम एफ डेल्टा स्क्वायर निकालेंगे। तो पहले एफ डेल्टा निकाल लें, एफ यहां है डेल्टा, देखिए गुणा बहुत सावधानी से करना होगा, तो ये हो गया -40, -75, -70, -65, ये तो 0 जगह कुछ भी रहे, 16 25 80, अब पॉजिटिव हो गया, 10 बटे 80, 15 45, ठीक। ये देखिए यहां से यहां तक माइनस और यहां से यहां तक प्लस, तो माइनस को एक साथ जोड़ दें और प्लस को एक साथ जोड़ दें, तो ये 5 5 10, 5 7 5 12 7 19 6 25, 250 माइनस में, और ये हो गया 5 18 16 4 20, 205, तो -45। ये सिग्मा एफ डेल्टा हमारा निकल गया -45 निकल गया। अब हम करते हैं डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा यहां पर है 20 का वर्ग, 415 का वर्ग, 225 10 का वर्ग, 105 का वर्ग, 25 यहां तो 0 हो जाएगा, फिर 5 का वर्ग 25, 10 का वर्ग 100, 15 का वर्ग 225, डेल्टा स्क्वायर हो गया। अब एफ डेल्टा स्क्वायर बहुत सावधानी से गुणा करना होगा, 2 का 400 में 800। मैं इसको इसलिए कर दिया ना कि हम यहां पे उंगली रख रहे हैं और हमको अंतिम वाले से गुणा करना है, बस ये इसीलिए हम उसको डेल्टा स्क्वायर को बाद में किए, नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे डेल्टा निकल गया तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ डेल्टा किए एफ डेल्टा निकाल लेंगे, तो ये गुणा करने में थोड़ा सा आसानी रहेगा, फिर यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर है तो अब यहाँ पे एफ
डेल्टा स्क्वायर यानी अंतिम लाइन का अंतिम लाइन के साथ गुणा करना है, तो इस चीज का ध्यान करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। फिर पांच का गुणा 225 में, तो 5 × 25 = 25, 5 × 10 = 12 दोबारा, और 5 × 10 = 11। 7 × 100 में 700, 13 × 25 में 13 × 65 और 13 × 26 = 32, ये तो 0 हो जाएगा कुछ भी नहीं। फिर 16 × 25 में 400 और 8 × 100 में 800 और 3 × 225 तो 3×6 = 675 और इसका सिग्मा एफ डेल्टा स्क्वायर होगा कितना टोटल करें तो 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 3, 2 × 5 = 7, 5 × 12 सिलेक्ट 9, 10 = 16, 10 = 17, 3 = 20, 4 = 24, 8 = 32, 6 = 38, 4 = 3, 4 4825 हो गया। 433 हाँ अभी देखिए ऐसे में आप नहीं जुड़े हैं, 5 × 7 = 14, 3 × 2 = 5, 2 × 7 = 14, 3 × 7 = 18, 5 × 7 = 24, 8 × 7 = 32, 3 × 5 = 35, 4 × 6 = 7, 75। अब सारा मटेरियल तैयार, अब हमको क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है और विचलन गुणांक, यानी विचलन गुणांक का मतलब मानक विचलन गुणांक। तो पहले मानक विचलन निकाल लें, यहां पर हम एक ही है ना, तो ऐड करेंगे यानी कि कौन सा क्या चीज ऐड करेंगे, सिग्मा एफ डेल्टा स्क्वायर बटे सिग्मा एफ, यही देखिए ऐड करने जा रहे हैं, इसमें ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे, जब समांतर माध्य करेंगे ना तो यही वाला पोर्शन रहता है सिर्फ इतना, इसको हटा देते हैं। तो मानक दें एफ डेल्टा स्क्वायर 4825, 4825 माइनस 75 माइनस एफ डेल्टा माइनस 45 बटे में 75 तो इसमें भाग देंगे तो 46, जब भाग देने पर इसमें आ जाएगा ये 64.33 माइनस 56.42 = 45 0.6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64.33 माइनस 0.36 घटा देंगे तो 63.97 यानी कि 64 है ना, ये 64 हो जाएगा लगभग 8, लगभग 8 आ गया। अब विचलन गुणांक, विचलन गुणांक देखिए, विचलन गुणांक और विचरण गुणांक अलग अलग चीज है। विचरण गुणांक में मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणे 100 करते हैं, है ना, और विचलन गुणांक का मतलब मानक विचलन गुणांक, सिर्फ मानक विचलन बटे समांतर माध्य। तो विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन कितना आ गया 8, और ये देखिए इसमें माध्य नहीं निकाले हम, माध्य की जरूरत है तो माध्य में इसको मिटा करके यहां पे निकाल दे रहा हूं। हाँ ये हम माध्य निकाल लिए, तो माध्य हमारा आ गया 21.9। अब यहां पे हम रख देते हैं, रख देंगे तो यहाँ पे हो गया 21.9, इसका मान आ जाएगा 0.365, यहाँ पे नीचे लिखते हैं
0.3 6 5 ये आंसर हो जाएगा।